उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें LHTV इंडिया को। और आपके जिले की मौसम की जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ठंड से कांप रहा है। यहाँ शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे का ट्रिपल अटैक के कारण आम जीवन जन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि अधिकतर जिलों में गलन शीतलहर मौजूद है, इससे फिलहाल अभी कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। अब फिर मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक अब बारिश का भी ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा और अगले 3-4 दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। लोग इन दिनों ठंड का सामना कर रहे हैं। वहीं बीते कुछ समय पहले नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और गाजियाबाद समेत कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। बता दें कि बूंदाबांदी की वजह से ठंड में और इजाफा हुआ है। वहीं इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी में अब फिर कड़ाके की ठंड के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कल से शीतलहर का असर लगभग थोड़ा कम हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे मौसम में किसी खास बदलाव के आसार नहीं है। वहीं रात के तापमान में भी करीब गिरावट फिर देखने को मिलेगी। यहाँ न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 2.4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, जो इस बार सर्दी का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों में अत्यंत ठंड पड़ने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें मौसम विभाग ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, शाजापुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बदायूं और इसके आसपास के इलाकों में भयंकर ठंड पड़ने की संभावना है। इन जिलों में भीषण ठंड को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम को लेकर ये भी खबर आ रही कि फिलहाल आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के कई जिलों में ठंड का प्रकोप लगातार बरकरार रहेगा। वहीं मेरठ, बरेली, कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ समेत प्रदेश के कई अन्य जिले ऐसे हैं जिनमें आपको बता दें बारिश के बाद कोल्ड डे के हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अयोध्या के साथ अन्य जिलों में ठंडे दिन और कोहरे की स्थिति रहेगी, क्योंकि दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। अगर बात करें कि किन किन जिलों में भयंकर कोहरा पड़ेगा, तो मौसम विभाग के अनुसार बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं और इसके आसपास के इलाकों में अत्यंत घना कोहरा पड़ने को लेकर मौसम विभाग ने आशंका जताई है। इस बीच मौसम को लेकर ये भी खबर आ रही है कि IMD ने मौसम को लेकर सावधान किया है, जिसके अनुसार अगले 3-4 दिनों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर चलने की संभावना है। इसी के साथ बारिश का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालय पर्वत की ओर बढ़ रहा है, जिसके पीछे ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसका असर मैदानी भागों में दिखाई पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर धूप स्तर शून्य हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले 2 दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ हल्की कई मध्यम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है।